हेलो दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल यूपीएससी नेट में स्वागत है। और आज की तारीख है 8 अप्रैल 2023 की। दोस्तों डेली कॉन्फ्रेंस की दोस्तों बात करेंगे। समय हो रहा है शाम को 6:15 और टाइटल फटाफट रिवीजन। दोस्तों समय को दोस्तों व्यर्थ नहीं करेंगे और सीधी सीधी करंट अफेयर्स की दोस्तों बात करने वाले हैं। ठीक है, आज की दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर्स हैं, एग्जाम में डायरेक्ट पूछी भी जा सकती हैं। तो आज दोस्तों करंट अफेयर्स की दोस्तों बात करेंगे कौन कौन से इंपोर्टेंट करंट अफेयर। पहली करंट अफेयर्स की बात कर लेते हैं, विकास और शांति के लिए हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया गया। दोस्तों तो 6 अप्रैल को कब मनाया गया, दोस्तों 6 अप्रैल को दोस्तों विकास और शांति के लिए अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस 6 अप्रैल को दोस्तों मनाया गया है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट इंप्रेस हमारी क्या कहती है कि किसे युवा यूरोलॉजिस्ट पुरस्कार हाल ही में मिला है। दोस्तों डॉक्टर नित अब्राहम को, दोस्तों किसको, डॉक्टर नित अब्राहम जी को दोस्तों युवा यूरोलॉजिस्ट पुरस्कार दोस्तों मिला हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट कमेंट्स की दोस्तों बात करते हैं। नेक्स्ट हमारी क्या कहती है, होंडा मोटर ने किसे अपना MD एंड CEO नियुक्त हाल ही में किया है। दोस्तों शुतोशिमी ओटानी को, दोस्तों किसको, शुतोशिमी ओटानी को दोस्तों होंडा मोटर ने अपना MD और CEO के रूप में उसको दोस्तों नियुक्त की है। ठीक है, नेक्स्ट कमेंट्स की दोस्तों बात करते हैं। नेक्स्ट कमेंट्स हमारी क्या कहती हैं, दोस्तों अगर आप लोगों ने हमारी जो NCERT में बदलाव हो चुका है, दोस्तों NCERT की जो किताबों में दोस्तों बदलाव हो चुका है, अगर आपने वो दोस्तों वीडियो नहीं देखी है तो मैं डिस्क्रिप्शन लिंक दे दूंगा टू द पॉइंट वेस्ट में, टू द पॉइंट के डिस्क्रिप्शन में तौर पे आप उसको देखिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या बदलाव किया गया है, किस किस सब्जेक्ट में बदलाव किया गया है, कौन सी कक्षा की किताबों में बदलाव किया गया है, डिटेल से पूरी बताया मैंने, उसके विरोध और तर्क के भी प्रमाण दिए मैंने। ठीक है, तो नेक्स्ट कमेंट्स की दोस्तों बात करते हैं, किस देश के राष्ट्रपति को पोलैंड का हाल ही में शीर्ष पुरस्कार मिला है। दोस्तों यूक्रेन के, दोस्तों यूक्रेन के जो राष्ट्रपति हैं उनको हाल ही में पोलैंड का दोस्तों शीर्ष पुरस्कार मिला हुआ है। ठीक है, तो याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों खबर है आज की। नेक्स्ट कमेंट्स दोस्तों बात करते हैं, वित्त वर्ष 2022-23 में GI टैग सूची में कौन सा, दोस्तों GI टैग सूची में, GI जो टैक्स सूची है दोस्तों बराबर मिलना है दोस्तों राज्यों को, GI टैक्स सूची में कौन सा राज्य शीर्ष पर आया, तो दोस्तों केरल राज्य शीर्ष पर आया है। ठीक है, केरल राज्य दोस्तों इस वर्ष 22-23 की सूची में GI टैक्स प्राप्त करने में शीर्ष पर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट कमेंट्स की दोस्तों बात करते हैं, किस राज्य सरकार ने लोकतंत्र पहरी सम्मान अधिनियम को निरस्त कर दिया है। दोस्तों हिमाचल प्रदेश सरकार ने, किसने दोस्तों, हिमाचल प्रदेश सरकार ने लोकतंत्र पहरी सम्मान अधिनियम को दोस्तों अभी हाल ही में निरस्त कर दिया है। दोस्तों करंट अफेयर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, कोई भी स्किप करोगे एग्जाम में कौन सी आ जाएगी किसी को नहीं पता होती है, तो वीडियो को स्किप मत करो, पूरी वीडियो देखो, याद हो जाए कोई बात नहीं, नहीं हो पाए दोबारा वीडियो देखो, लेकिन वीडियो को देखो क्योंकि आपको एग्जाम में कहीं से ही पूछी जा सकती है, किसी को कुछ नहीं पता रहता है। ईरान में 8 वर्ष में पहली बार किस देश में अपना राजदूत नियुक्त किया, तो UAE में, किसमें दोस्तों, UAE में। ठीक है, नेक्स्ट फिर दोस्तों बात करते हैं, नेक्स्ट में हमारी क्या कहती है, किस देश को संयुक्त राष्ट्र सांख्यिकी आयोग के लिए निर्वाचित किया गया। दोस्तों भारत को, भारत को दोस्तों संयुक्त राष्ट्र सांख्यिकी आयोग के लिए निर्वाचित किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट मिस दोस्तों बात करते हैं, नेक्स्ट मिस हमारी क्या कहती है, ICC मेंस T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में एम्पायर बनने वाली पहली महिला कौन बनी है। दोस्तों क्रीम कॉटन, कौन दोस्तों, क्रीम कॉटन जी ICC मेंस T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में एम्पायर बनने वाली दोस्तों पहली महिला है, क्रीम कॉटन जी। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, कितना इंपॉर्टेंट है आप समझ सकते हैं, है ना, एग्जाम में पूछा जा सकता है। किस राज्य की वुड कार्विंग, कौन से दोस्तों, वुड कार्विंग को GI टैग मिला है, लद्दाख को दोस्तों, किसको दोस्तों, लद्दाख को हाल ही में वुड कार्विंग पे दोस्तों GI टैग मिला हुआ है। ठीक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, एप्पल इंक, कौन से दोस्तों, एप्पल इंक कहां अपना पहला भारतीय स्टोर खोलेगी। दोस्तों मुंबई में खोलेगी, कहां पे खोलेगी दोस्तों, मुंबई में एप्पल इंक अपना पहला भारतीय स्टोर खोलेगी। ठीक है, एग्जाम में आ सकता है, पूछा जा सकता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, कौन सा राज्य कोपे इंडिया एक्सरसाइज की मेजबानी करेगा, तो पश्चिम बंगाल, कौन करेगा दोस्तों, पश्चिम बंगाल राज्य दोस्तों कोपे इंडिया एक्सरसाइज की दोस्तों मेजबानी करेगा। ठीक है, नेक्स्ट कमेंट्स की बात करते हैं दोस्तों, नेक्स्ट कमेंट हमारी क्या कहती है, खाद्य एवं औषधि प्रशासन ने कहां ईट राइट मिलेट मेला आयोजित किया है। दोस्तों जम्मू में, कहां पे किया है दोस्तों, जम्मू में दोस्तों किया हुआ है। ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, महेंद्र धोनी सहित कितने भारतीय खिलाड़ियों को मेरिलबर्न क्रिकेट क्लब, कौन सा दोस्तों, मेरिलबर्न क्रिकेट क्लब का आजीवन मानद सदस्यता प्राप्त हुई है। दोस्तों 5 सदस्यों को मिली है, महेंद्र सिंह धोनी को, युवराज को, सुरेश रैना को, मिताली राज को, और दोस्तों जूलन गोस्वामी जी को दोस्तों मिली हुई है सदस्यता। ठीक है, आजीवन दोस्तों ये सदस्यता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, आज के मेरे सेशन का लास्ट क्वेश्चन भी है, और दोस्तों अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब किया, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और दोस्तों वीडियो की लिंक मैं आपको दे दूंगा, NCERT की जो वीडियो है वो आप जरूर देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत आपके लिए हेल्प फुल होने वाली है। ठीक है, तो बात करते हैं, किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री एहुद बराक को, दोस्तों किसको, एहुद बराक ने देश के पास परमाणु हथियार की पुष्टि की है, दोस्तों इजराइल की, दोस्तों इजराइल के पास दोस्तों। ओके दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही था, वीडियो बनाने के आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर से मुलाकात होती है, थैंक यू।